नमस्ते मेरे प्यारे सभी बड़े भाइयों को, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूँ कार न्यू ब्रांड न्यू वीडियो में। गाइस सुबह के बज रहे हैं 5:20 और अपन जा रहे हैं नर्मदा जी, और मेरे साथ जा रहा है हितेश जो कि अपन को तीन पत्ती में मिलेगा। तीन पत्ती में अपन इंतज़ार कर रहा है और अपन नर्मदा जी वाला सनराइज़ देखना है और आपको बहुत मज़ा आएगी। R1V3 आ रही है जो कि अपन को मिल जाएगी तीन पत्ती पे। तो पहले चीज़ें मिलती हैं तीन पत्ती पे, फिर पहुँचते हैं पहले हितेश के पास, बाकी की बात उसके बाद करते हैं आपसे। फाइनली हितेश आ चुका है और बहुत जल्दी उन्होंने यहाँ पर खा लिया है सब सुबह। अब बज रहा है 6 बजने को है अभी 20 मिनट और बस हम लोग निकल रहे हैं नर्मदा जी के लिए कि सन इसका टाइम हो चुका है। जल्दी से जल्द लोग ग्वालियर पहुँचना है, जो लेट हो जाएंगे तो पूरी मेहनत है जो के लग जाएंगी। अल और ये है नीतीश की R1 भाई साहब चलें। गए निकल रहे हैं था कि फाइनली हम लोग रेस करते हुए आपसी में पहुंच चुके हैं नर्मदा जी। जिन लोगों को घाट पे पहुंचना है तो हम लोग यहाँ से जाएंगे। जय माई नर्मदे नर्मदे हर। चलिए यहाँ से हम लोग को सीधे घाट तक पहुंचना है नीचे। कल पूरी तरीके से यहाँ पे बैरियर लगे होते हैं, पुलिस अंदर जाने नहीं दे रही थी और अब यहाँ पे शायद हमको ठंडी सी लगने लगी है। तो वही अब ठंड लग रही है, घाट के पास पहुँचते पहुँचते वही पहुँच रहे हैं, वैसे ठंड लगना चालू हो चुकी है। और जल्दी सुबह सुबह पहुंच चुके हैं अपन नर्मदा जी। ये अपन को पार्किंग जो है गाड़ी की सबसे नीचे घाट पे करनी है जी, अपनी गाड़ी वहाँ पे सेफ रहेगी। और जैसे कि नर्मदा जी लोग पहुँच चुके हैं बिल्कुल जस्ट घाट पे ही, इन्होंने गाड़ी लगा दी है। और भाई साहब सुबह सुबह तो कतई शांति हो रखी है घाट पे, और एक खड़ी है अपनी दोनों बाइक, एक हितेश की और एक मेरी। और जैसे वो दिख रहा है आपको
वहाँ पे, जैसे गंगा जी में है, वैसे नर्मदा जी में भी हो रखा है, और वहीं पे हमारे राष्ट्रपति जी आए थे जिनने नर्मदा आरती करी थी। चलिए अब ब्लॉगिंग कैमरे पर मिलते हैं। जैसे कि गाइस बाइक चलाना है, तो बाइक खड़े करने के बाद इसको भी ले आने की एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, तो उसको ऐसे गले में टांग लो या तो बैग में लटका लो। जैसे कि हितेश भाई अपने हेलमेट के साथ जूझ रहे हैं, मतलब पकड़ के घूम रहे हैं, और हम लोग भी जा रहे हैं जहाँ पे आरती होती है नर्मदा जी की वाले घाट पे। और ये देखो टॉमी, टॉमी टॉमी आओ भाई, जहाँ देख सकते हैं कितने सारे ब्लू है भाई, बहुत सारे हैं गाइस। यहाँ पे चार टोटल, चार नहीं सात है भाई, तीन बस हो रहे हैं वहाँ साइड में। और यहाँ पे हो रही है एक्सरसाइज लोगों की, सुबह सुबह गाइस बहुत अच्छी प्लेस है एक्सरसाइज करने के लिए और घूमने के लिए भी, क्योंकि लोग बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं। और डॉगी भाई अपन को कतई घूर के देख रहे हैं भाई, कर क्या रहे हो, हेलमेट हेलमेट है, वो बैग वैग टांग के हम लोग घूम रहे हैं ना, तो गाइस डॉग भी हम लोग को देख रहे हैं। और चलिए, और गाइस इसी जगह पे हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय जी ने नर्मदा आरती की थी, जस्ट इसी जगह पे, वहाँ पे लाइन से कह दे सकते हैं, यहाँ पे आरती होती है लाइन से, यहीं पे जस्ट नर्मदा आरती हुई थी राष्ट्रपति जब आए थे हमारे जबलपुर में। और जस्ट सामने आप देख सकते हैं गुरुद्वारा है, गौरी घाट गुरुद्वारा साहिब। और गाइस अनुमति ले ली है अपन ने इस ट्रैक पे चढ़ने की, तो चढ़ते हैं। ओ भाई इस तरीके की मेहनत करते हुए, कैमरा को रखो पहले ऐसे, जैसे कि ऊपर मैं चढ़ चुका हूँ और अंकल लोग की चल रही है बहुत खतरनाक वाली एक्सरसाइज, नर्मदा जी पे देख सकते हैं आप। क्या कर रहे हैं अंकल लोग, बहुत गजब की एक्सरसाइज कर रहे हैं वो, देख सकते हो आप। एक्सरसाइज कर करके मतलब फुल ऑन में एक्सरसाइज कर रहे हैं, और आप लगाते हैं टाइम लैप्स की, सनराइज जस्ट होने ही वाला है वहाँ से, मतलब पीछे से होने वाला है सनराइज, जल्दी लगाते हैं पहले एक टाइम लैप्स, फिर वो आपको मिलते हैं। मतलब हमेशा हर रात में होती है 5 से 6 बजे यहाँ पे नर्मदा आरती होती है, और वो है नर्मदा का मंदिर। और इस पहाड़ में पानी, कुछ पानी का स्तर कम हो गया, और यहाँ पे जॉगिंग मतलब बोलने में कंफ्यूज है, मतलब कुछ इस तरीके का दिखता है। और हितेश बैठ के कैमरा फोटोग्राफी कर रहा है, और हितेश होने वाला है सनराइज। आया होगा और सनराइज तो हो चुका है, लेकिन उनको दिख नहीं रहा है, जैसे तो उम्मीद करता हूँ इस फोटो का टाइम लैप्स अच्छा लगा होगा। लिया है कि पहले कोई पुलिस वाला आ जाएगी, अपने अनुमति ये क्यों तो तेरे कैसे भैया, क्या बात लग गई, एक ही फोटो 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 जल्दी खींच ले यार भाई, गिरने की पूरी गिर गया ना तो क्या, फोटो खींच रहे थे हमारी हितेश भाई। उस
उतरने का साधन नहीं था तो अपन इसलिए यहाँ पे आए हैं कि प्रॉपर अपन उतर के दर्शन कर पाएँ। अपन ग्लव्स दे देते हैं हितेश भाई को, पकड़ो भाई। ओ ठंडा ठंडा पानी, ओ भाई साहब, जैसे कि देख सकते हैं। बहुत ठंडा पानी है, जैसे कि मैं भैर डाल के देख रहा हूँ। ठंडा लग रहा है अभी सुबह सुबह, क्योंकि गाइस सुबह सुबह गाड़ी पानी गर्म रहता है और जैसे सूरज निकलता है उसी पानी ठंडा होना चालू हो जाता है। बस चलते गाइस, दर्शन हम लोगों ने कर लिया है, अब लग रही है थोड़ी सी भूख और चाय की तलब। पहले पीते हैं कुछ चाय, खाते हैं कुछ नाश्ता, फिर मिलते हैं सीधे आपको बाइक पे। गाइस नाश्ता करके हो चुके हैं हम लोग डन, नाश्ता किया है अभिषेक जलपान गृह में, नाश्ता वास्ता हो चुका है। अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर की तरफ, जेश भी रेडी है और अपन भी रेडी हो चुके हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं। चलो चलते हैं। और मैं आ चुका हूँ सबसे आगे, या है टेस्ट चेस्ट बाजू में। और गाइस जो वीडियो है वो तो टाइमलेस भी मैंने निकाला है, बहुत मज़ा आया सुबह सुबह उठ के। और ज़्यादातर राइड सुबह जो होती है उसमें बहुत मज़ा आता है, ठंड के समय बस मज़ा नहीं आती, ठंड के चक्कर में ठंड सुबह जो ठंड है ना वो बहुत लगती है। लेकिन गर्मी के सीजन, समर के सीज़न में क्या होता है, सुबह की जो मॉर्निंग की जो हवा होती है वो बहुत ही अच्छी होती है और बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ज़्यादा ठंड भी नहीं लगती है, बस सब कुछ मेंटेन रहता है। गायब हो गया भाई। अबे ऑटो रिक्शा ऐसी आवाज, ऑटो रिक्शा ऐसी आवाज आ रही थी इसकी। हाँ हितेश जा रहा है इस घर की तरफ अपने, और मैं भी जा रहा हूँ अपने घर की तरफ। हितेश माय हितेश, और मैं भी जा रहा हूँ घर की तरफ। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो गाइस पता है आपको क्या करना है, पता है क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। हाँ कर ही देना भाई यार, प्लीज़ यार भाई कर दिए यार सब्सक्राइब, शेयर भी कर देना और लाइक भी कर देना। बहुत मेहनत लगती है, सुबह सुबह 4:30-4 बजे उठना पड़ता है आप लोग को, मतलब आप लोग तो देखते हो, मतलब मेरे को उठना पड़ता है। और उम्मीद करता हूँ छोटी वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं एक और न्यू ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, और झाड़ू वाले भाई साहब को देखो बीच में आ रहे हैं। ठीक है मिलते हैं एक और न्यू ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय गाइस, सी यू सून।